नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, ये मैंने जो सीडलिंग्स तैयार किया, ये आप देख रहे हैं। इससे पहले मैंने अपडेट्स आपको दिखाया था, तो इसके बाद जो इसके जो अभी जो सीडलिंग्स देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। ये जो है सिलोसिया प्लूमोसा, ये सीडलिंग्स जो है ये देखिए काफ़ी बड़ा हो चुका है। और आज मैं जो ये सिलोसिया है इसको मैं प्लांटेशन करूँगा, और उसको इसके बारे में पूरा जो है जानकारी मैं आपको दूंगा, कैसे इसका सॉइल चाहिए, कैसे इसको केयर करना चाहिए, और क्या क्या इसको रिक्वायरमेंट्स है, तो पूरा जो है इसको मैं इसके ऊपर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिलोसिया प्लूमोसा ये प्लांट है, इसको मैं अभी निकाल के इसमें प्लांटेशन करूँगा। उससे पहले आप देख रहे हैं इसके अंदर और भी बहुत सारा सीडलिंग्स है। ये एंथेरियम का है, देन डायंथस का है। वो अभी ग्रो करेगा और थोड़ा सा बड़ा होगा, तभी जाके मैं उसको प्लांटेशन करूँगा और उसको पॉट में डालूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहला जो है इसको आज जो ये सिलोसिया का बारे में मैं आपको आपसे बात करूँगा। ये जो सिलोसिया प्लूमोसा ये फ्लावर जो है, ये सिलोसिया प्लूमोसा को कॉम्स भी बोला जाता है इसका नाम। और ये बहुत ही अच्छा कलरफुल जो है इसका ये फ्लावर आता है, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो इसको जो प्लांट है, ये जो सिलोसिया प्लांट है, इसका जो सॉइल, ये सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए दोस्तों। ये सैंडी सॉइल इसके लिए बहुत ये अच्छा है। सैंडी सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स, जो कि काउडांग, ये देन बोन मिल, ये सारे जो ऑर्गेनिक मैटर्स है इसमें होने से इसका ये जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है और बहुत अच्छा फ्लावरिंग भी करता है। तो सैंडी सॉइल के साथ साथ ये वेल ड्रेनेज भी होना चाहिए, और साथ में जो है ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इसमें जो है 50% सॉइल, 30% जो है काउडांग, एंड 20% जो है सैंड, इस ये जो सॉइल मिक्सचर है इससे मैंने ये जो सॉइल को मैंने तैयार किया। तो दोस्तों, ये वेल ड्रेन्ड भी है और ऑर्गेनिक मैटर्स भी इसके अंदर है। जैसे मैंने काउडांग इसमें इस्तेमाल किया 30%, तो वो मॉइस्चर इसमें बना रहेगा, लेकिन इसके लिए जो है ये पल्म, ये सिलोसिया का जो है ये मॉइस्चर इसमें होना चाहिए, लेकिन वेट नहीं होना चाहिए मिट्टी जो है, और ओवर ज़्यादा पानी भी इसकी मिट्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सैंडी सॉइल बहुत ही अच्छा, मतलब ये सैंडी सॉइल में ही बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो दोस्तों, ये पॉट जो है आप देख रहे हैं, कुछ मतलब कहना अलग अलग सा, तो 6 इंच का जो पॉट है वही अच्छा है इसके लिए। 6 इंच से 8 इंच आप भी ले सकते हैं, 8 इंच भी अच्छा होता है, तो 6 इंच भी चलेगा, लेकिन उससे भी छोटा जो है 2-3 मेरे पास है जो कि खाली पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा प्लांट्स है और इसके लिए बहुत सारा पॉट भी चाहिए। तो इसमें जो है ये दोस्तों, ये ज़्यादा बुशी नहीं बनता है, तो ये ज़्यादा बुशी नहीं बनता है, तो इसीलिए एक एक पॉट में 2-3 करके अगर डालेंगे तो अच्छा रहेगा, वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, तो पहले जो है इसको मैं निकालता हूँ एक एक करके, थोड़ा सा ये देखिए बस, और इसको जो है एक इसमें जो है 3-3 डालेंगे। इसे डालने से ये मतलब बहुत ही अच्छा लुक्स आता है इसका, और कलर जो है दोस्तों, इसका जो स्टेम आप देख रहे हैं, ये स्टेम जो देखने से पता चलता है ये कलर कैसा होगा, तो ये मेरे ख्याल से ऑरेंज टाइप होगा ये। और ये दूसरा जो है अगर रेड देंगे तो ये देखिए रेड वाला हो गया, ये देखिए, तो इसको रेड वाला इसमें डाल देता हूँ, तो अलग अलग कलर रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा जो है दूसरे कलर डाल देता हूँ, ये देखिए वाइट, ये देखिए, तो इसको इसमें डाल देता हूँ,
तो ये जो स्टेम है ये ज़्यादा मिट्टी के अंदर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर पानी से ये गल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको देख के मतलब कहना इसमें प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने प्लांट कर दिया एक में तीन, तो जो 6 इंच वाला बड़ा वाला पॉट है उसमें 3-3 करके डाल दूँगा, और जो छोटा वाला है उसमें 2-2 करके डाल दूँगा। तो दोस्तों इसके लिए जो वाटरिंग है ये आपको वाटरिंग देख के मतलब कहना जो जब इसमें ड्राई हो जाए उसके बाद ही जो है इसमें थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, और ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। तो हल्का मॉइस्चर होने से तभी मतलब इसका ग्रोथ जो है अच्छा होता है। और साथ में जो है दोस्तों इसका जो सनलाइट इसके लिए चाहिए, इसको धूप में रखिए, बहुत ही अच्छा मतलब कहना है तभी ये फ्लावरिंग करेगा। धूप ज़्यादा धूप जहाँ पे है तो इसके लिए जो है वर्म जो प्लेस है तो उसमें उस जगह पे रखेंगे तो ये अच्छा ग्रो करेगा और अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है इसका जो खाद है, इसका खाद ये आप शुरू में जो है पॉटिंग मिक्स के साथ आपने मैंने जो है ये 30% जो कंपोस्ट मैंने डाला, तो ये सारे मतलब कहना इसमें चलेगा। आगे जाके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो उसको आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो पेस्ट का है, ये पेस्ट इसके पेस्ट की प्रॉब्लम होता है, ये एफिड्स माइट्स देन आपका ये पेस्ट जो है पाउडरी मिल्ड्यू इसके जो है ये पेस्ट का प्रॉब्लम होता है इसमें। तो इसलिए आप इसको समय समय पे मतलब 7 से 10 दिन के अंदर या 10-12 दिन के अंदर अगर एक बार इसको स्प्रे कर देंगे पेस्ट कंट्रोल आपका हो जाएगा और ये अच्छा ग्रो करेगा, बहुत जल्दी जो है इसमें फ्लावर आ जाता है। आप इसको बुशी बनाने के लिए थोड़ा जो है पिंचिंग कर सकते हैं, मतलब इसका जो हेड जो है आप इसको जो पिंचिंग आप करेंगे तो थोड़ा बहुत बुशी बनेगा, लेकिन ये जब आप 3-3 एक में डाला है तो फिर इसको जो पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक में ही जो है 3 कलर का जो फ्लावर आएगा तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ना बहुत सारे जो है वैरायटी कलर इसमें मिलता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए ये पूरा जो है मैंने पॉट में डाल दिया, अभी वाटरिंग कर दूंगा। तो वाटरिंग मतलब कहना पहला जो है इसमें पॉट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो है अच्छी तरह जो है वाटरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वाटरिंग इसको बहुत ही देख के करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग से जो इसका स्टेम है ये गल जाता है। तो इसलिए बहुत जब सूख जाता है मॉइस्चर इसमें बने रहना चाहिए, लेकिन वाटरिंग ओवर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको वाटरिंग कर देते हैं अभी। तो दोस्तों देखिए ये वाटरिंग कर दिया, तो कुछ जो पौधा है वो लेट गया, तो ये धीरे मतलब कहना जैसे सेट हो जाएगा वो अपने आप वो सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा जो है वाटरिंग जो मैंने ये किया, जो वेल ड्रेन्ड है ये पूरा जो वाटर है ये नीचे से मतलब जो है ये बह गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।